प्रणाम, हाय, खुशामद्दीन। मैं तो अधूरा हूँ आप सबके दिन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश मूवी हॉब्स एंड शॉर्ट्स। जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश डब्ड हिंदी मूवी है, काफ़ी अच्छी डबिंग दी गई है, इसका वॉइस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। जैसे कि काफ़ी अच्छा एक्शन मूवी है, जो फास्ट एंड फ्यूरियस के डायरेक्टर ने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन भी पिक्चर का अच्छा है। काफ़ी अच्छा एक्शन है, हीरोइन भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, एक एक्शन हीरोइन कह सकते हैं उन्हें भी। और शुरुआत से लेकर एंड तक पिक्चर काफ़ी अच्छा है। इसमें हीरो हीरोइन का प्यार और भाई बहन का प्यार और एक्शन धमाकेदार है, देखने लायक है। आगे इसमें हीरो अपने WWF फेम रॉक जॉनसन देखने को मिलेंगे, और जेसन स्टेटम जो ट्रांसपोर्टर पिक्चर के काफ़ी फेमस एक्टर है, वो भी एक एक्शन मूवी है। और शुरुआत से लेकर आपको एंड तक देखने को मिलेगा कि दो हीरो आपस में झगड़ते रहते हैं, और काम दोनों एक साथ ही करते हैं, और दोनों अच्छा ही काम करते हैं, विलेन से झगड़ते रहते हैं। शुरुआत से लेकर देखेंगे आप, एक वायरस को लेकर है, जिसमें हीरोइन क्या करती है, वायरस को लेकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। उसको वायरस को किसी तरह उसके शरीर से निकालना भी होता है और उसे बचाना भी होता है, वरना तो उसको दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। ये स्टोरी है, और विलन पीछे पड़े रहते हैं, किसी तरह वो वायरस को निकाल ले 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 और उसका दुरुपयोग कर ले, उसका गलत इस्तेमाल कर ले। पिक्चर वाकई काफ़ी अच्छा है, जिसे एक्शन मूवी देखना पसंद है वो आराम से थिएटर में बैठ के देख सकता है, पूरा मजा ले सकता है। काफ़ी अच्छा एक्शन मूवी है शुरुआत से लेकर एंड तक, और VFX काफ़ी अच्छा किया है, वाकई पिक्चर देखने लायक है। और थिएटर में तो देखने की मजा ही कुछ और है। बाकी मेरे को पिक्चर बहुत अच्छा लगा, आप भी जाके पिक्चर देखिए और कमेंट्स में कमेंट कीजिए वो कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो में अपलोड करता रहूँगा आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।